ये जो बच्ची का रेप हुआ है उस सबू से बात जी 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 तो हम उसका कंडम करते हैं, हमारी जमात कंडम करती और हम बच्ची के लोगों के साथ हैं। आप जो करना है जो सजा दे सकते हैं। बच्ची माइनर है कहते साहब, आप जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है ये साहब पूरी इंक्वायरी करके जो स्ट्रिक्ट एक्शन सजा दिलाना उसको आपकी जिम्मेदारी है साहब। बस आप कानूनी तरीके से जो कर सकते करना है साहब, बस 100%। हम लोग जाके साहब से मिलने के आते हैं और साहब ये समझ रहे होंगे वो जमात से वादा है बोल के उसके फेवर कर रहे होंगे। हम फेवर नहीं कर रहे हैं उसका, उसको मैक्सिमम जो FIR करते जो करना है आप कर सकते हैं, आप इजाजत है। आप बोले तो अभी पार्टी बोल के मालूम पड़ा, नहीं तो अभी आप बोले तो मालूम है नहीं। सोशल मीडिया में मुखालिफिन कुछ अफवाह फैला रहे हैं तो हमारे जो उसका कुछ नहीं है, बस वही बात है सीधा बोलने आए हैं। आप बोलने के बाद मालूम है बोल रहे हैं ऐसा वाय बोल के, पहले से मेरे को फादर है बोल के कोई भी आदमी का फादर है बोल के मालूम कुछ उतना ही नहीं। वो बच्ची के लोगों के साथ है हम लोग जी, और उनका उनको अगर कुछ सपोर्ट चाहिए उनको क्या करना है वो भी करेंगे बराबर। ओके रैन बाजार प्रेस पे कल रात 1 बजे एक FIR हुआ, माइनर बच्ची है, कोई बच्चा उसको रेप करा या उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करा बोल के उसमें जो है ना जमात से वादा है उनके बोल रहे सदर साहब का हुक्म है कि हम ये चीज़ को कंडम करते हैं, जो हो सकता मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको सज़ा दिलाने की कोशिश करो। हम आज पुलिस स्टेशन आए जमात की तरफ से और उनको बोले कि जो केस कर सकते जो सज़ा दे सकते बच्चे को मैक्सिमम से मैक्सिमम कराइए, हम उसके साथ नहीं है बच्ची के लोगों के साथ हैं। सदर साहब का ये हुक्म है कि हम जो है ना बच्ची मेहनत हो और जो है ना हम उसका हमारे जमात का रहन दो, हमारा सरकार रहन दो, हमारा इश्तिहार रहन दो, हम उसके मुखालिफ है। ऐसे केस जो है ना आवाम को भड़काने की कोशिश करी मुखालिफ हुई ऐसे केसों को उछाल कर और हम इस ये केस का कंडम करते हैं। और मैं अब सर्कल साहब रैन बाजार से मिले अभी हम लोग आके अरफा साहब और हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जो करना है करो साहब, जमात से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ये केस जो है ना जो आपके तौर पे जो भी इसको सजा दे सकते जो FIR कर सकते करिए बोल के बात करके 27/28 नाइट 1 बजे को एक कंप्लेंट आया। वो कंप्लेंट के बारे में शी स्टेटिंग दैट यू नो उनका फ्रेंड को असलम बोल के साथ बर्थडे है बोल के इन्वाइट करे तो उनका घर को गया। घर को जाने के बाद उन्होंने बच्ची को रेस्टोरेंट को उधर इधर फिरा के फिर रात को घर को लेके आने के बाद ये केक वो सब कट करने के बाद थोड़ी बात करने के बाद इनका मिसबिहेव करने थे। बच्ची बात मैं चले जाता बोले तो टायरो बोल के उनको वो ये बात बोल के उनसे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। वो टाइम पे उनका पेरेंट्स मालूम करके आए तो उन्होंने वहां से चले गया। वो बच्ची आज रात सुबह 1 बजे को पुलिस स्टेशन को आके पिटीशन दिया। वो पिटीशन पे हम FIR करके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे हम आखिरी में कब मिली बोले तो 6 बजे मालूम वहाँ के फिर 7 बजे के टाइम मालूम हुआ बच्ची यहाँ है। हम लोग जाके घर पर देखे घर पर हम लोग को यहाँ पलट के मारने लगे उनके बहुने है, उन्होंने मेरा हाथ मोड़े और बच्ची को घर के अंदर थी बच्ची को निकाल के लेके ही मैं अंदर से मेरा हाथ मोड़ के हाथ फ्रैक्चर कर दिए। और जैसो माँ मेरे को सब चाहिए इंसाफ पुलिस के जरिए मिली तो अच्छा है और क्या बोल सकती हूँ मैं बच्ची के लिए तो इंसाफ नहीं अजीम वालिद साहब का बच्चे के वालिद साहब का अजीम नाम है आगे का उतना मेरे को नहीं मालूम और बच्चे का नाम जैसे अजीम आदम और बच्चे का नाम आशु असलम ये है।
जो मेरे बच्चे को 4 बजे से लिख जा के रूम में बंद करके रखा है मेरे बच्चे को। मेरे को 10:30 को मालूम हुआ है। मैं जब जाके घर पर मारी तो मेरे को उल्टा पील के मारे है घर के लोग जेंट्स। कौन कौन थे? उनके भावनी और उनकी वालदा थे। हम लोग को अंदर जाने ही नहीं दिए। दरवाजे पे फूल मारे तो जब दरवाजा खोले तो अंदर रूम के अंदर बंद थी बच्ची। वहां से मैं पकड़ के खींच के निकाली तो मेरे ऊपर ही हमला करे है। हाँ, तो ये ऐसा करके रखी और मेरे को बहुत तकलीफ हो रही। हर मुसलमान के लिए मेरे को इंसाफ चाहिए। जी हाँ, कंप्लेंट करेंगे। अब पुलिस बोली हूँ तो मैं वही करके बोले इंशाल्लाह उनके भरोसे में कंप्लेंट करके रखी हूँ। मेरे को उनसे इंसाफ चाहिए बस। जो भी हिसाब चाहिए।